हिंगन घाट के कारंजा चौक स्थित वीआईपी साइकिल की दुकान को रात 11:30 से 12:30 बजे के बीच मनमाने ढंग से बुलडोजर चलाते हुए जबरन गिरा दिया गया है और जमींदोज किया गया है। इस किराए की जगह पर रौनक खड़ी चौथानी का साइकिल का कारोबार है। जिस वक्त दुकान को गिराया गया तब 80 से 90 लाख रुपए की 300 से 400 साइकिल बिक्री के लिए रखी थी। अपनी दुकान पे रातों बेरात जेसीबी चला है यह देख चौथानी मदद मांगने के लिए थाने गए। उनकी परिस्थिति को नहीं समझते हुए उनकी विनती को बिल्कुल महत्व नहीं दिया गया, उल्टा उनका प्रकरण सिविल रहते हुए भी इस प्रकरण में हम कुछ नहीं कर सकते यह बोलकर उन्हें मदद से इनकार किया गया। साथ ही पुलिस ने मीडिया के सामने प्रतिक्रिया देने से भी इनकार किया। लाखों रुपए का साहब, 70-80 लाख रुपए का माल था, साइकिल का दुकान है साहब। ये कौन व्यक्ति है गिराने वाले? जयेश जी चंदा राणा और डॉक्टर प्रमोद सिंह भी और डॉक्टर राजेश कोचर, ये इनके मौजूदगी में ये सब कार्रवाई हुई है। ये लोग सब खड़े थे क्या उसे? जी बिल्कुल खड़े थे। मैंने पुलिस स्टेशन को अप्रोच किया, पुलिस स्टेशन ने मेरे को बोला कि ये सिविल मैटर है, ये हमारे पावर में नहीं आता है, आप कोर्ट को अप्रोच करो। और ये नोटिस को ऑलरेडी मैं कोर्ट में ले जा चुका था। आज 11 बजे सीओ साहब को वहाँ जस्टिफिकेशन देना था कि ये किस बेसिस पे आपने ये डिमोलिशन का ऑर्डर दिया। मेरा अंदर माल रखा हुआ है, ताले मेरे लगे हुए और इन्होंने रातों रात सब कुछ गिरा दिया। पुलिस को आपने एफआईआर नहीं दी क्या उस टाइम? क्या बोलो, पुलिस का क्या कहना? पुलिस का कहना ये था कि ये हमारे पावर में नहीं है, ये सिविल मैटर है, ये हम एंटरटेन नहीं कर सकते। आपका क्या कहना है अभी ये पूरे प्रकार में आपका क्या? साहब मेरे को किसी ने सब मदद नहीं की, नगर पालिका ने नहीं, ना प्रशासन ने, किसी ने। मैं सड़क पे आ गया, आज मेरे पास कुछ नहीं बचा, कहाँ जाऊँ, किसको बोलूँ साहब? शिकस्त मकाना संबंधी या कार्यालयास 21/2/2022 रोजी अर्ज प्राप्त झाला होता। सदर मकानाची पाहणी करून ते शिकस्त असल्याचे निदर्शनात आले, त्यानुसार या कार्यालयाने 22/3/2022 रोजी नोटीस बजावली। सदर नोटीस महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम 1965 कलम 195 अंतर्गत बजावण्यात आली। त्यानुसार संबंधित घरमालकाने स्वतः मनुष्यबळ लावून व मशिनरी लावून शिकस्त असलेल्या मकानाची पाडण्याबाबतची कारवाई पूर्ण केली। त्या स्वतः विद्युत मीटर संबंधी किंवा पोलिसच्या संरक्षणासंबंधी ही जबाबदारी त्या स्वतः घरमालकाची आहे। त्यांनी ते त्यानुसार काय कारवाई केलेली आहे ते या कार्यालयाला माहीत नाही। हिंगनघाट शहर में कई इमारतें जर्जर है, लेकिन इस इमारत को लक्ष्य करते हुए तत्परता से कार्रवाई की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि इस इमारत के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की है, तब इस प्रकरण में बड़ी आर्थिक लेन देन होने की चर्चा शहर के नागरिकों में जोरों से शुरू है। BCN न्यूज के लिए हिंगनघाट से रवि एनोरकर की रिपोर्ट।